गाजा पट्टी लगातार बम धमाकों से दहल रही है। इसराइल के हमले में 10 गुना तेजी आ गई है और ऐसे में नई रिपोर्ट ये है कि हमास के कई लड़ाकों और कमांडरों को इसराइल ने अब सुरंगों में ही जिंदा दफन कर दिया है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र को लग रहा था कि इजरायली सेना जमीन पर जंग करने से डर रही है, लेकिन गाजा युद्ध के ठीक 20 दिन बाद इजरायली सेना ने ऐसा सर्वनाश गाजा में मचाया है कि अब तक गाजा में हमास के 25 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के 48 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसराइल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमास लड़ाकों को रौंदना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है और अब इसराइल की IDF ऑपरेशन ऑल आउट से पूरे गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों को जमीन में जिंदा ही दफन करने लगी। जिंदा दफन कर दिए गए हमास कमांडर। 7 अक्टूबर के बाद से हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने एक भी मौका नहीं दिया है कि वो इजरायली सेना और नागरिकों को तबाह और बर्बाद कर पाए। 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में 9500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1405 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना के 321 जवान मारे जा चुके हैं। वहीं हमास लड़ाकों और फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 8000 से ज्यादा हो चुका है। ये मौतें तो सिर्फ ट्रेलर है, असली सर्वनाश 18 घंटे पहले शुरू हो चुका है। इसराइल की IDF ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जो विनाश लीला गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में शुरू की है वो वाकई में रूह को कपा देने के लिए काफी है। देखिए इजरायली सेना कैसे गाजा में बड़ी इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद लड़ाकों को जिंदा ही दफन कर रही है। अब इन सबके बीच में दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इजराइल ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर चुका है, जिसमें हमास को घेरकर मारा जा रहा है। नेतन्याहू की सेना की पूरी प्लानिंग में सुरंग में ही घेरकर हमास के आतंकियों को मारने की रणनीति तैयार कर ली गई है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। इसराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक में 30,000 के करीब बड़ी इमारतों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिट्टी में मिला दिया है। IDF के दावों के मुताबिक इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके जिंदा ही दफन होने लगे हैं। जैसे इसराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट बम और मिसाइलों से इमारतें उड़ाई जा रही है, वैसे ही इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगों पर बिल्डिंग का मलबा कब्र बनकर गिर रहा है। हमास के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर आते हैं तो इजरायली सेना पिन पॉइंट से सीधे बम उस पर दाग देगी और अगर वो सुरंग में रहते हैं तो तबाह इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगें मलबे में दब रही हैं। IDF के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके पूरे परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। המלחמה על פי תוכנית. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר,
מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה. F-16, F-35 ने शीर डाला गाजा। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में पिछले 18 घंटे से इजरायली वायुसेना ने 150 लड़ाकू विमानों से अंधाधुंध बम और मिसाइलें बरसाई हैं। 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान से फाइटर जेट और जमीन से इजरायली टैंक और तोपखाना हमास सुरंगों पर सीधा हमले कर रहे हैं। खबर आ रही है कि IDF ने जुहोर अद-दिक में टैंकों से भीषण हमला किया है। इसके अलावा गाजा सिटी, अल जदीदा, रिमान, शाती रिफ्यूजी कैंप, जबालिया पर टैंकों, तो बख्तरबंद रॉकेट से इजरायल ने कम से कम 800 हमले किए हैं। इजरायल के F-16 और F-35 फाइटर जेट ने गाजा को लगभग चीर डाला है। तबाह इमारतें और मलबे से लाशें निकालते फिलिस्तीनी लोगों को इजरायल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है।